ये बुक बच्चों बहुत ही धुआंधार आई है, और अकॉर्डिंग टू न्यू बुक भी जो क्वेश्चन आए इसमें, एमडी गेट में ई गेट में किस तरह आएंगे हम सारे कर रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेटा बेंजोइक एसिड का हालांकि फार्मूला क्या होता है ये भी अलग से एमसीक्यूज आ सकता है, C7H6O2। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है जी 122। अभी इसका गिवन मास है 610। होता क्या है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे अवोगाड्रो नंबर से। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, जो भी गिवन वेट है इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो बेटा, तो आ जाएगा 5। अब देखो 5 6 30, 5 2 10, 30.10 × 10^23, या आप देख लेंगे कि भाई ऑप्शन में क्या दिया है, हो सकता है इसको 3 × 10^24 दिया हुआ, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है कैलकुलेट मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ H2। वेल बेटा 3.25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 18 थ्रीजा होता है 54, अलग अलग कर लो ना, 0.25 का अलग है 1/4, जिसको 18 से मल्टीप्लाई करो 4.5, प्लस कर लो तो बच्चे हो जाएगा 48.5। ऐसा ही अच्छा सवाल है, 48.16 × 10^24 एटम्स ऑफ गोल्ड पूछ रहे हैं। बेटा पहले तो इसके नंबर ऑफ मोल निकालो, 48.16 × 10^20 से 48 को 6 से डिवाइड करो 8, पावर 24 को 23 से तो 10, 8 × 10 = 80 मोल्स को 179 से मल्टीप्लाई कर दो। हो सकता है आंसर इसी फॉर्म में दिया हो, सकता है इस फॉर्म में दिया हो, देख लेना।